हेलो एवरीवन, दिस कोमलिया दिस साइड। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि हम मेसी बन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और ये बहुत ट्रेंडिंग में है ये मेसी बन, और बहुत ही अच्छी लगती है। लाइक मेसी इज़ नॉट लाइक बहुत ही मेसी। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं सेक्शंस कर रही हूँ। सेक्शंस करने के बाद आप सेक्शंस के अगर प्रॉपर वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ पे मेरी वीडियोस जाके चेक कर सकते हो। सो यहाँ पे सेक्शंस करने के बाद मैंने जितनी भी मेरे हेयर पीछे की तरफ बचे हैं उसे मैं अच्छे से कोम कर ले रही हूँ। और स्प्रे कर लेना आप, अगर आपके पास स्प्रे नहीं है तो आप ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन स्प्रे करने से छोटे छोटे हेयर्स जो भी होते हैं वो अच्छे से फ्रिजनेस फ्री हो जाएंगे। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ अ रबर बैंड इस तरीके से हमें एक पोनी बना लेनी है। फिर पोनी के बाद बनाने के बाद यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से फिर से स्प्रे कर रही हूँ पोनी में, क्योंकि उसके बाद हम आगे का जो भी स्टाइलिंग करेंगे तो बहुत ही नीटनेस उसमें आएगी। सो यहाँ पे पोनी बनाने के बाद यहाँ पे मैं डोनट यूज कर रही हूँ। यस गाइस, और डोनट आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, स्मॉल साइज, मीडियम एंड बिग, जो भी आपके अगर वो हेयर के लेंथ के और डेंसिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो जैसे कि ही मैंने बन बनाने के लिए यहाँ पे डोनट यूज कर लिया है, उसके बाद मतलब यहाँ पे मैं कर रही हूँ कर्ल्स। और यहाँ पे मैंने बहुत ही छोटी टोंग यूज़ की है, जो कि बिल्कुल लास्ट टोंग आती है, जो नंबर आप एक बार ऑनलाइन सर्च कर लेना या फिर नियर बाय जो भी आपके पास नियर बाय शॉप है वो चेक कर सकते हो। आई थिंक सो ये 10 नंबर की टोंग है, तो आप ये टोंग से कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी मेसी लुक जो है क्रिएट करके आपको देंगी। तो आप सारे बालों को इसी तरीके से बिल्कुल आपको कर्ल्स करने हैं। एंड गाइस, अगर आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप दिए गए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली हमें पिंग कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्टली वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं और पिंग कर सकते हैं क्लासेस के जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। सो गाइस, इसी तरह पूरी हेयर में कर्ल्स कर लेने। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्ल्स बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ अ यू पिन मैं यहाँ पे एक एक स्टैंड जो कि मैंने कर्ल्स किए थे उसे क्रॉस डायरेक्शन में, मतलब लाइक अगर ये राइट तरफ के हेयर हैं तो मैं लेफ्ट तरफ में लगाऊंगी, अगर लेफ्ट तरफ के हेयर है तो मैं राइट तरफ में टक करूंगी। सो जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, इसी तरीके से हमें पूरे को कंप्लीट करना है। सो गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पे क्लासेस भी ले रही हूँ, सो मैं उनको स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन देते जा रही हूँ कि कैसे करना चाहिए, राइट? सो अगर आप क्लासेस डायरेक्टली करते हो तो जो भी आपके क्वायरीज हैं वो अच्छे से सॉल्व हो पाती है। सो आप दिए गए हुए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो भी डाउट्स है वो आपकी क्लासेस में क्वायरीज वो सॉल्व होंगी। एंड गाइज, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और ज़रूर बताना आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा, और आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो देखनी है ये भी ज़रूर बताना। एंड इसी तरीके से जो भी स्टैंड्स बचे हैं आपको पूरे डोनट में कवर करने हैं, क्योंकि कवर करने से ही वो विजिबल नहीं होगी। सो बैक साइड में आपको इसी तरीके से कुछ मैसी लुक क्रिएट करना है। सो मैंने बैक तरफ बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। सो अब फ्रंट की ओर बढ़ेंगे, तो फ्रंट में हमने जो सेक्शन निकाले थे उसके हम अब पतले पतले से सेक्शंस और निकालेंगे स्टैंड्स करके, उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैं दो पार्ट में इसलिए डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा मैसी ज़्यादा चाहिए। तो इस चीज़ के लिए आप क्लाइंट के रिलेटेड काम कर सकते हो। सो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मैसी लुक चाहिए।
सो जैसे कि आपने देखा कि इस तरफ हमने कैसे मैसी लुक क्रिएट हो चुका है हमारा, सो हम इसी तरीके से सेकेंड जो पार्ट है वो भी ऐसे ही सेम एज इट। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल कर्ल्स कर लिए हैं और फिर मैंने अच्छे से स्प्रे कर दिया है क्योंकि जो भी फ्रिजनेस रहेगी वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। सो आप इसे हैंड से भी कर सकते हो, लाइक उसे खोल सकते हो, या फिर आप कोम भी यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप फोक कोम भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ मैंने विद द हेल्प ऑफ अ पेन, यू पेन, मैंने यहाँ पे टक कर लिया है और अपना मांग टीका भी सेट कर लिया है। और अगर आपको सामने में फ्रंट में फ्लेक्स चाहिए तो आप वो भी ऐसे निकाल सकते हो। और यहाँ पे मैंने मांग टीका पहले ही सेट कर दिया था साथ ही साथ। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मांग टीका आने के बाद आपका हेयर थोड़ा यहाँ वहाँ हो रहा है तो आप इनविजिबल पिन से आप उसे लॉक कर सकते हो। और इस तरीके से आप ये मेसी बन क्रिएट कर सकते हो। और विद द हेल्प ऑफ एसेसरीज, अगर आप एसेसरीज लगाते हो तो वो और इनहेंस करके दिखती है। सो मैंने यहाँ पे एसेसरीज यूज कर लिया है, उसके बाद आप फाइनल रिजल्ट देख सकते हो ये कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है और रियल हेयर पे तो और भी ज्यादा अच्छी लगेगी। सो गाइस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बताना कैसा लगा। एंड थैंक यू।